हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक माइक्रो कैप स्टॉक के बारे में, माने कि पावना इंडस्ट्री कंपनी के बारे में। ये कंपनी क्या काम करती है, बिजनेस क्या है, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो इस कंपनी में निवेश किया जा सकता है नहीं। सो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर पावना इंडस्ट्री कंपनी जो बिजनेस ओवरव्यू है वो यहाँ पर जो करने वाले हैं, उसी के साथ साथ में जो कंपनी कैश फ्लोज जो है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यहाँ पर करंटली कंपनी के अंदर किस तरह से वर्कआउट हो रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पर जिस तरह से मार्केट में ट्रेड कर रहा है अकॉर्डिंग टू दैट सेंटिमेंट, ऑल्सो यहाँ पर जो है निवेश करना बनता है या नहीं, शेयर प्राइस यहाँ पर जिस तरह से मार्केट में ट्रेड कर रहा है उसके हिसाब से भी जो है निवेश किया जा सकता है नहीं, और यहाँ पर प्रमोट होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर से, तो यहाँ पर जो FIIDA का निवेश है या नहीं, और क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर कंपनी किस तरह के नतीजे आ रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पावना इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में बताऊँ तो ये कंपनी का मेन जो यहाँ पर कारोबार है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो भी यहाँ पर समझ लीजिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स होते हैं ऑटोमोटिव का व्हीकल के अंदर, वो जो पार्ट्स बनाने का काम है वो ये कंपनी जो है करती है, और उसके थ्रू जो है इस कंपनी का मेन कारोबार आता है। कंपनी के बारे में और अगर मैं ब्रीफली बताएं तो यहाँ पर बाइक्स अगर समझ लीजिए एग्जाम्पल बाइक का ले तो बाइक के अंदर जो फ्यूल टैंक होता है, कॉक होती है, उसके रिलेटेड जो भी यहाँ पर सेगमेंट्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स हो गए, वो जो चीज़ें हैं वो कंपनी यहाँ पर जो है बनाती है, और उसके थ्रू जो है इस कंपनी का मेन कारोबार आते हुए देखने को मिलता है। करेंटली यहाँ पर मार्केट कैप जिस मैंने आपको बताया 379 करोड़ मार्केट कैप पर शेयर जो ट्रेड कर रहा है, स्टॉक का भी 43.8 का देखने को मिल रहा है, और ROE यहाँ पर निकल कर आया था 15.7% का, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 13.1% का जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अदर देन दैट अगर मैं पर करेंटली शेयर की बात करूँ तो यहाँ पर शेयर ट्रेड कर रहा है 318 रुपये पर, और यहाँ पर हाई प्राइस 378 और लो प्राइस 167 का देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू यहाँ पर है 50.6 की, अगर हम यहाँ पर उस पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ देखते हैं तो मोटा मोटी 6 times जो है बुक वैल्यू के हिसाब से जो है यहाँ पर हमें शेयर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। 142 करोड़ का एक लंबा चौड़ा डेट जो है वो भी यहाँ पर हमें जो है देखने को मिल रहा है। सो ये जो चीज़ें थोड़ी बहुत जो है दिक्कत दे सकता है अगले आने वाले कुछ टाइम के अंदर, बिकॉज डेट का सीधा जो पेमेंट रहता है इंटरेस्ट पेमेंट वो यहाँ पर सीधा 14 करोड़ के आसपास, अगर 10% के हिसाब से भी हो तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कंपनी की जो हाफ ईयरली जो रिजल्ट्स आए हैं उसको हम यहाँ पर देखते हैं, उसको अगर यहाँ पर ध्यान में रखते हुए अगर हम यहाँ पर फॉलोअप करते हैं तो यहाँ पर कंपनी का जो मोटा मोटी यहाँ पर जो कंपनी का हमें सेल्स देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर हमें मार्च 2023 के अंदर 127 करोड़ का जो यहाँ पर नंबर है वो यहाँ पर हमें फॉलोअप होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अदर देन दैट अगर हम यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट के नंबर को देखते हैं नेट प्रॉफिट का, तो यहाँ पर हमें 8 करोड़ का एक तगड़ा जो नंबर है वो डेफिनेटली देखने को मिल रहा है, क्योंकि सितंबर 2022 के अंदर 235 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर 1 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट जो है कमाया है। बट मोटा मोटी अगर ये जो चीज़ है उसके थ्रू यहाँ पर हमें जो देखने को मिली चीज़ वो ये कि यहाँ पर कंपनी के पास प्राइसिंग पावर जो है इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। बट डेफिनेटली ओवरऑल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यूज भी जो है डेफिनेटली जब कभी मार्जिन अच्छे खासे नहीं रहते, तो अगर समझ लीजिए कंपनी वॉल्यूम पर ज़्यादा काम करती है, एक अच्छा सा वॉल्यूम जो कंपनी है रेवेन्यूज को भी यहाँ पर ओवरऑल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर बढ़ाता है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर जो कंपनी 8 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है वो भी अगर यहाँ पर समझ लीजिए आने वाले कुछ टाइम के अंदर अगर यहाँ पर 20 करोड़ का जाता है, तो यहाँ पर 20 करोड़ के हिसाब से भी अगर हम यहाँ पर देखते हैं कंपनी का, अगर यहाँ पर समझ लीजिए 30 का भी अगर 30-40 का भी अगर पी बनता है, तो यहाँ पर काफ़ी तगड़ा जो है कंपनी का मार्केट कैप जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो है फॉरवर्ड लुकिंग के हिसाब से देखने को मिल सकता है। बट फॉर अ टाइम बिंग आई थिंक यहाँ पर जो कंपनी की मेन जो चीज़ है वो ये कि मार्जिन अगर थोड़े बहुत भी यहाँ पर इंप्रूव अगर यहाँ पर लोअर स्केल से भी यहाँ पर देखने को मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा जो इम्पैक्ट है ओवर लॉन्गर पीरियड टाइम कंपनी को देखने को मिलेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट जो अदर पार्टीज़ का नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग 70.45% और बाकी का जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर पब्लिक द्वारा जो है 29.56% का जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी का कैश फ्लोज के ऊपर फोकस करें तो कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पर पॉजिटिव में 17 करोड़ का जो है यह देखने को मिल रहा है। ये जो चीज़ है वो डेफिनेटली फॉर अ टाइम भी आई थिंक यहाँ पर एक अच्छा सा नंबर जो है देखने को मिल रहा है। एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर -23 करोड़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर 6 करोड़ का पॉजिटिव नंबर जो है देखने को मिल रहा है। 5 साल का हाई प्राइस भी अगर हम यहाँ पर देखते हैं 378 का हाई प्राइस और यहाँ पर लो प्राइस 82.5 का देखने को मिल रहा है। 5 साल के अंदर अगर हम यहाँ पर मोटा मोटी देखते हैं 284% के रिटर्न जो है इस कंपनी ने दिए हुए हैं, स्टॉक ने दिए हुए हैं। 318 पर शेयर जो है ट्रेड कर रहा है 3.54% की तेजी के साथ में स्टॉक जो है यहाँ पर हमें क्लोज होते हुए देखने को मिला है। सो पर डेफिनेटली फॉर अ टाइम भी यहाँ पर लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी अगर आपको हो ऑटोमेटिक सेक्टर के अंदर भी इस कंपनी के लिए पर्टिकुलरली कि ये फॉर अ टाइम भी यहाँ पर मार्जिन जो है कंपनी के ओवर लॉन्ग पीरियड टाइम अगर यहाँ पर सुधरते हैं, कंपनी का रेवेन्यू लाइन भी अगर यहाँ पर सुधरता है, तो एक अच्छा खासा जो यहाँ पर स्कोप है इस कंपनी में फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम देखने को मिल सकता है। बट फॉर अ टाइम भी ऑल्सो आई थिंक
नहीं कि यहाँ पर हमें जो थोड़े बहुत और क्वार्टर्स के जो कंपनी नतीजे आते हैं उसको रिव्यू करना चाहिए, बेस्ड अपॉन दैट यहाँ पर जो है निवेश किया जा सकता है। सो होप करता हूँ कि आप लोग को पावना इंडस्ट्री कंपनी का जो शेयर आप लोगों ने किया वो यहाँ पर जो है आपको अच्छे से पता चल गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और माइक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट में अगर आप कुछ और क्वेश्चंस भी पूछते हो रिलेटेड टू दिस स्टॉक या फिर अगर आप कोई और कंपनी का भी जो है शेयर चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू।